नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर। उसमें दोस्तों जबरदस्त न्यूज़ आया है, दोस्तों बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया है और उसकी वजह से स्टॉक में जबरदस्त तेजी हो रही है। ऐसे टाइम पे दोस्तों एक ऐसा बढ़िया पेनी स्टॉक है जिसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था और वहाँ से हमने बहुत ही बढ़िया पैसे बनाया था दोस्तों, और दोबारा भी उस स्टॉक में दोस्तों लो रिस्क हाई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बन रही है दोस्तों, जो मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूं कि लो रिस्क हाई प्रॉफिट हमारा कैसे बना किया जाता है दोस्तों। दोस्तों यस्टरडे हमने बात किया था रिलायंस कैपिटल में और दोस्तों गिरावट जारी है। आज भी दोस्तों लोअर सर्किट के ऊपर ही हुआ है, बिल्कुल जैसे ओपन हुआ लोअर सर्किट में चला गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसको लोअर सर्किट में ही रहने दो, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा है कि लोअर सर्किट काफ़ी लंबे चलने वाले, जो मैंने क्लियर किया था दोस्तों। अब फर्टिलाइजर सेक्टर जहाँ पे दोस्तों ग्रीनरी दिख रही है दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर 30 रुपीज अप है, कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.60% अप, GNFC दोस्तों 7.30% अप है, रुपीस अप है, टाटा केमिकल अप है दोस्तों, GSFC कोर, RCF, NFL, FAG दोस्तों सब में जबरदस्त तेजी हुआ। ये पूरा ग्रीनरी दिख रहा है दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर। और तो अब इस स्टॉक में सब में क्या करना चाहिए दोस्तों, अब न्यूज़ क्या है उसकी वजह से ये है। तो न्यूज़ दोस्तों दो न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, दो बड़ी खबर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। पहली बड़ी न्यूज़ दोस्तों, इंडिया फेसिस रिकॉर्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी इन 2021-22 दोस्तों। अब फर्टिलाइजर दोस्तों आता है तब DAP आता है और वहाँ पे दोस्तों मोर देन दोस्तों डबल, ऑलमोस्ट डबल होगा जो सब्सिडरी में खर्च, क्योंकि 1.55 ट्रिलियन रुपीज टू अवॉइड शॉर्टेज एमिड शार्प इन अ ग्लोबल प्राइजिज इन अ केमिकल सोर्स फेमिलियर विद मैटर दिस साइड, और द फिगर इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट बजेटेड फॉर अ फर्टिलाइजर सब्सिडरी इन द बजट फॉर दिस फिस्कल ईयर दोस्तों। टॉप इम्पोर्टर ऑफ यूरिया इज अ मेजर बायर ऑफ DAP दोस्तों, डायमोनियम फॉस्फेट्स नीड टू फीड इट्स ह्यूज एग्रीकल्चर सेक्टर विच एम्प्लॉयज अबाउट 60% ऑफ द कंट्री वर्सअप, और जब भी किसान की बात आती है भारत गवर्नमेंट हमेशा किसान के साथ होती है दोस्तों। और जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड्स अ फाइनेंस सपोर्ट टू कंपनी सच एस नेशनल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर डेट सेल फर्टिलाइजर एट अ बिलो मार्केट रेट्स दोस्तों। ग्लोबली फर्टिलाइजर का जो प्राइस है वो 200% से ज़्यादा दोस्तों बढ़ चुका है दोस्तों, और जो न्यू रेस्ट्रिक्शन इन चाइना एंड रशिया है तो उसकी वजह से वो बढ़ चुका है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये कि DAP जो इम्पोर्ट है दोस्तों वो यहाँ पे दोस्तों कम होने वाला है, क्योंकि इंडिया इम्पोर्ट्स एन एवरेज ऑफ 60% ऑफ द 10 to 12 million tons ऑफ एनुअल DAP कंजप्शन, ऑफ दिस 40% कम्स फ्रॉम चाइना दोस्तों। तो 40% जो कम आने वाला है, और बोल रहा है ऐसा है कि दोस्तों सम DAP पार्सल फ्रॉम चाइना हैव बीन डिलेड ड्यू टू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू अवॉइड शॉर्टेज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइड फर्दर एनहांस कॉम्पनसेशन टू द फीम्स इम्पोर्टिंग DAP आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग चाइना। और दोस्तों NPK फॉस्फेट्स एंड पोटेशियम जो DAP होते है उनको दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है स्विच करने के लिए, और लो स्टॉक्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। अर्लियर दोस्तों 15 ट्रेनें सप्लाई होती है फॉर फर्टिलाइजर टेल इन द कंट्री, बट सिंस अक्टूबर वी हैव डबल द नंबर ऑफ ट्रेन फॉर ट्रेन सप्लाईज दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रेन के रैक्स के थ्रू होता है, और उसी की वजह से दोस्तों ये हुआ है। अब DAP जो है वो बाय करने के लिए दोस्तों जो डिफिकल्टी आ रही है एंड प्राइजेस आर ऑल्सो हाई, वैसा बोलना है दोस्तों नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो हरियाणा के है उनका बोलना है, और दोस्तों इंडिया को जो चाहिए एनुअल कंजप्शन उससे काफ़ी कम है दोस्तों, और इंडिया डज नॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ DAP बट रेजिज द सब्सिडरी ऑफ कीप इनडायरेक्ट चेक ऑन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस ऑफ टर्न ऑफ DAP इन इंडिया हावर अराउंड 25,000 रुपीज़, वेर और ग्लोबल प्राइस इज 750, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस है। अब दोस्तों जो DAP की कमी होने वाली है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, हमने देखे प्रोज, अब देखते हैं दोस्तों। इंडियन PSU इंपैक्ट विद रशियन फीम्स टू सप्लाई फर्टिलाइजर इन FY22 दोस्तों, मनसुख मांडविया जी है उन्होंने क्लियर कर लिया है कि जो रशियन फीम है फोस एग्रो फॉर द सप्लाई ऑफ 5 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग DAP दोस्तों,
और मांडविया ने बोला है, मनसुख मांडविया जी ने, कि जो डीएपी है मटेरियल टू इंडिया एट अ रीजनेबल प्राइस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक मोरक्को, सऊदी अरेबिया एंड रशिया, एन एग्रीमेंट ऑफ इंटेंटेंट हैज बीन साइंड बिटवीन फोर इंडियन पीएसयू एंड रशियन कंपनी फॉर एग्रो फॉर सप्लाई ऑफ 5 टाइप ऑफ स्टरिलाइजर। दोस्तों तो ये बड़ी अच्छी बात है और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उनको एनहांस करने के लिए दोस्तों जो मध्य प्रदेश भारत एग्रो प्रोडक्ट यूनिट 2 प्रोडक्शन ऑफ 1.20 लाख टन पर यूनियम इट्स प्रोडक्शन स्टार्टेड इन अक्टूबर दोस्तों। और उसी की वजह से जो मैंने बोला कि ट्रेनें भी डबल कर ली गई है और कोई भी काइंड ऑफ शॉर्टेज नहीं रहना चाहिए, ऐसा जो मिनिस्टर है हमारे वो बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों ऐसे केस में हमें कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए, बहुत सारे स्टॉक है, NFL है, RCF है, हम दोस्तों दो स्टॉक को इस अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला नाम है दोस्तों बसंत एग्रोटेक। दोस्तों बसंत एग्रोटेक एक छोटी सी कंपनी है दोस्तों और जिसका अभी का प्राइस है 11.44। अब इसको बाय करने की वजह क्या है दोस्तों, बसंत एग्रो ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बार अपने चैनल के ऊपर रेकमेंड कर रहा हूँ, जब हमें 10.56 का जो लेवल यहाँ पे टूटा था दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर, वो बहुत बड़ा लेवल था दोस्तों इस स्टॉक के लिए, तब से मैंने रेकमेंड करना स्टार्ट किया था और फिर दोबारा जो लेवल था 12.8 का उसको भी तोड़ा दोस्तों, ऑल एक ही मंथ के अंदर हमारे पैसे दोस्तों डबल हो चुके थे और फिर वहाँ से गिरावट आई, फिर दोस्तों 38.22% के रिट्रेसमेंट ऊपर काफ़ी टाइम बचा, बट दोस्तों अब 10.56 का सपोर्ट लिया है लास्ट वीक में और दोस्तों अभी 11.32 के आसपास प्राइस में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों आपका जो रिस्क है बहुत कम रहेगा, 10.50 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऑलमोस्ट 80 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस है और ये BSE के ऊपर ही दोस्तों बसंत एग्रोटेक का दोस्तों आपको मिलेगा। और बाकी दोस्तों ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में मुनाफा बढ़ सकता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप जाके बसंत एग्रोटेक BDP इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके दोस्तों। अब दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों उसके ऊपर बात कर ले तो दोस्तों RCF है दोस्तों, GNFC है, बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक है दोस्तों RCF या कोई, बट दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर वो न्यूज़ पे चलने वाला सेक्टर है दोस्तों, न्यूज़ अच्छा आया तो यहाँ पे बाउंस बैक आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 66.65 का जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, जो हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट किया हुआ है प्रीवियसली और उसका जो दोस्तों रिट्रेसमेंट आ रहा है, एक बार जैसे ये रिट्रेसमेंट 77 का टूटा था दोस्तों तो क्या हसन हुआ था आप देख सकते हैं, दोबारा जब टूटा तो भी दोस्तों हमें बढ़िया मूवमेंट मिला, तीसरी बार टूटा तब भी मूवमेंट अच्छा मिला था और यहाँ पे चौथी बार टूटा तब भी अच्छा था, यहाँ से सपोर्ट लगे भी अच्छा था। तो मेरा आपको एक ही बोलना है कि अभी वेट करो, 77 के ऊपर जैसे ही ये मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा आप इसको लपक लो और दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी आपको यहाँ पे बन सकती है। तो RCF में दोस्तों अगर तेज़ी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर में इस न्यूज़ के चलते, तो यहाँ पे दोस्तों आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और RCF और NFL दोस्तों दोनों ऐसे स्टॉक है जो साथ साथ चलने वाले हैं दोस्तों, स्टॉक ऐसा नहीं है कि एक दौड़ेगा तो दूसरा रुकेगा दोस्तों, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोनों सेम चल रहे हैं, बट NFL में एक है कि वो सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 51.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो उसका लेवल है 50% का रिट्रेसमेंट का और जो रेजिस्टेंस लाइन है दोस्तों वो दोनों जो आ रही है वो हमें मिल रही है 52 के आसपास, 51.5 के आसपास दोस्तों आ रहा है, तो यहाँ पे बेहतरीन हमारा लेवल है, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।